नमस्कार, विश्वविद्यालय की खबरों में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग संकाय के विद्यार्थियों का चयन सीएनसी ऑपरेटर के पद पर अहमदाबाद में हुआ है। इस नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री वीपी सोनी, कुलपति डॉक्टर बनी, प्रतिकुलपति डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव एवं चेयरमैन अनंत कुमार सोनी ने विद्यार्थियों को बधाई दी है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। क्या क्या विद्यार्थियों ने, आइए। मेरा सिक्स सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर जब फाइनल हो गया उसके बाद भी टाटा एजा की कंपनी यहाँ पे आई कैंपस सिलेक्शन के लिए। उसमें हम लोग बैठे, भागदारी हुए, उसमें कैंपस ड्राइव हुआ, उसके बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ गए टाटा एजा की कंपनी में, वहाँ चयनित किया गया। तो वहाँ सीएनसी मशीन पे ऑपरेटर के रूप में वर्क दिया गया है और मैं AKS यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ। और 10-15-20 लड़का वहाँ वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है। मेरा नाम शिवम कुमार शुक्ला है और AKS यूनिवर्सिटी के द्वारा, कैंपस के द्वारा मेरे को वहाँ प्लेसमेंट दिया गया और वहाँ मेरे को CNC मशीन का वर्क दिया गया है। बस सिलेक्शन AKS यूनिवर्सिटी की तरफ से टाटा जाती कंपनी में हुआ है MK सर के थ्रू। AKS यूनिवर्सिटी सिलेबस अपडेटेड है। विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोजेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम 2 दिन का रखा गया। इस प्रोजेक्ट प्रोग्राम की झलकियां। तो प्रैक्टिकल फील्ड में उस इलाकों को रेफर कर लेना, सर लोगों से पूछ लेना, जहाँ डिफिकल्टी आए वहाँ पूछ लेना, कंटिन्यूस टच में रहना और किसी के साथ भी कोई बदतमीजी मत करना। थोड़ा सा झुक करके काम करोगे आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। लड़ाई से कोई चीज जीती नहीं जा सकती, लेकिन जवान से बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। मतलब जवान से बड़ी बड़ी लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, मतलब यदि हम नम्र होकर के सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो पता नहीं कितने लोग। विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजातरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।